नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नौ में कोहरे से थमी वाहनों की रफ्तार, सर्द हवाओं के साथ पारा 10 डिग्री पार, लोगों ने अलाव का लिया सहारा। नौ में सर्द हवाओं से सर्दी बढ़ने से ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे व धुंध से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट के सहारे चलना पड़ रहा है। मंगलवार को भोर पहर कोहरा कम था, सुबह 7 बजने के बाद अचानक कोहरे की चादर छा गई, जिससे आने जाने वाले लोग ठिठुरते हुए निकले। वहीं मुख्य मार्गों पर सुबह के समय वाहन सवार लाइटें जलाकर निकले। कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहा। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रात से अधिक गलन होने के कारण लोग जल्दी घर के लिए निकल जाते हैं, इससे हर कोई ठिठुरता नजर आया। सड़क के किनारे जल रहे अलाव के पास हर कोई दुबक गया, लेकिन जानवर भी जल रही आग के आसपास खड़े रहे। इस भीषण सर्दी में सर्द हवाओं से हर कोई ठिठुर गया। लोग सुबह शाम अपने काम पर निकलते हैं तो ठिठुरते हुए अपने गंतव्य को जाते हैं। अधिक कोहरा होने के कारण दोपहिया चौपहिया वाहन रेंगते हुए अमते गंतव्य की ओर रवाना हुए। वहीं वाहन सवार अपने वाहनों की लाइटें जलाते हुए निकले और लाइटों में पीली पन्नी लगाने से कोहरे से निजात पाने का कार्य कर रहे हैं। उन्नाव में सुबह पारा 10 डिग्री तक पहुंच गया। कोहरा घना हो तो सड़क के बाएं किनारे को देखकर गाड़ी ड्राइव करें। इसका लाभ यह होगा कि बिना किसी भटकाव के आपकी गाड़ी सीधी लाइन में चलती रहेगी। इसके साथ ही पीली लाइट को फॉलो करें। गाड़ी ड्राइव करने वाले व्यक्ति की आसानी के लिए सड़कों पर पीली लाइट लगाई जाती है, आप इसे फॉलो करें। इसकी मदद से आप कोहरे में भी आसानी से ड्राइविंग कर सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में।